जूनियर टी10 लीग आज है पिलो आपका मैच। जो टीम इधर से हारेगी वो सीधा जाएगी घर। टॉस टाइम एंड लॉन्ग साइड एंड टू कैप्टन बाजीकर अली का कप्तान मिस्टर सायोन, कोबरा जूनियर का कप्तान मिस्टर बादल। स्पिन द कॉइन टेल स्कॉल एंड हेड सनबूथ। सायोन आप टॉस जीते तो क्या करना चाहोगे? फील्डिंग 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 करना चाहते हो। अपोजिट टीम को कितना रन पर रोकना चाहोगे? 20-25 20-25। ये है प्लेऑफ का मैच। आप हारे तो जाओगे घर और जीते तो खेलोगे क्वार्टर फाइनल में, वहां पे देखेगी स्पार्टन। तो आप जीतना चाहोगे ये मैच। कितना प्रेशर है आपके ऊपर? बहुत बहुत प्रेशर है। ऑल द बेस्ट एंड चीयर्स। बादल आप टॉस जीते तो क्या करते? फील्डिंग फील्डिंग करता। टॉस तो आपके हाथ में नहीं रहता, टॉस हारे हो आपको बैटिंग का नेतृत्व तो मिला है। तो पहले बल्लेबाजी करते कितना रन बनाना चाहते हो? 40 40। ऑल द बेस्ट। बाजी कर ने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया है। एंड लेट्स गो एंड प्ले एन मैच। कोबरा जूनियर से दोनों सलामी बल्लेबाज ग्राउंड पे आ चुके हैं। एक तरफ है कप्तान बादल तो दूसरी तरफ आकाश। एलिमेटर मुकाबला, जो टीम जीतेगी वो जाएगी क्वालिफाई, खेलेगी स्पार्टन के साथ और जो टीम हारेगी वो जाएगी सीधा घर। फैसला आपके हाथ है। ये ग्राउंड आज बनने वाली है इतिहास के पन्ने में एक जुनून की पिक्चर। ले रेडी कॉट। बाजी से पहले ओवर डालने हैं कप्तान सायन, उसके सामने बादल। पहली गेंद ओवर कवर, उधर फील्डर मौजूद है। ओ कैच ड्रॉप कर दिया, दो रन। गणेश आया एक लक्षक। ओवर की दूसरी गेंद और लीडिंग एज, उधर फील्डर मौजूद नहीं है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग सुबह के द्वारा अपनी टीम के लिए दो रन बचाते हुए। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वाइस कप्तान सुबह के द्वारा, दो गेंदों पे चार रन। ओवर की तीसरी गेंद, ओ अच्छी गेंद, मारना चाहते थे लॉग ऑन के ऊपर से, बल्लेबाज बीट हुई, वाइड बॉल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कप्तान बादल के तरफ से, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। एक बार फिर वाइड, लगता है कप्तान सायोन अपने लाइंथ लेन हराते हुए। ओ बोल्ट, कप्तान बादल अपने आप से नहीं नाखुश होंगे। चार रन बना के पवेलियन का रास्ता जाते हुए इस एलिमिनेटर मुकाबले में आपको रहने के लिए बहुत जरूरी था। अब जब आप जाते हो तो दुश्चिंत पड़ सकती है आपके खेमे में। अब राजा आए तीसरे स्थान पर बल्लेबाजी करने, आज अपने टीम के लिए रन बनाना चाहिए और रन लगेगा भी क्योंकि एलिमिनेटर मुकाबला है। राजा आप जिम्मेदारी उठाइए और जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करिए, नहीं तो आपको चलना पड़ेगा घर। उधर फील्डर मौजूद है, एक रन। एक ओवर की समाप्ति 7, एक विकेट के नुकसान पे। ओवर करने आया है सुबह, उसके सामने राजा। ओ अच्छी गेंद, वाइड बॉल। स्ट्राइक फॉर राजा, अच्छी शॉट, उधर फील्डर मौजूद है, एक रन। कैच बन सकती थी, फील्डर आगे आते तो। ओवर की दूसरी गेंद, आकाश फॉर स्ट्राइक। ओ बल्लेबाज गेंद को चूक की, नो फुल टॉस थी, फुल टॉस में तब्दील कर सकते थे इसको। ओ अच्छी शॉट, उधर फील्डर मौजूद है, फील्डर के सर के ऊपर से, चार रन। बहुत ही अच्छी शॉट आकाश के द्वारा और आकाश को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इस टीम के बड़े भाई माने जाते हैं आकाश और जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करेंगे तो बने रहेंगे इस गेम में और नहीं तो आपको घर का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अच्छी शॉट, व्हाट अ शॉट, लॉग ऑन के ऊपर से आकाश, दो गेंदों पे एक चौका एक छक्का, बाउंड्री अंदर क्लियर। आकाश अपने तेवर अपने अंदाज दिखाते हुए इस एलिमिनेटर मुकाबले में। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी आकाश के दौरे से और इसी बीच अपने विकेट खो बैठे लेग स्टंप में बोल्ट। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करते हुए लग रहे थे अपने अंदाज में, किंतु इसी बीच आखिरी गेंदों पे विकेट खोते हुए
दो ओवर की समाप्ति 19 रन 2 विकेट नुकसान पे कोबरा जूनियर। अब चौथे स्थान पे गोपाला है, एक बार फिर आए कप्तान सायन दूसरी ओवर करने। ओ अच्छी गेंद और बोल्ट, रास्ता पकड़ते गए, एक गए और एक उसके साथ आग बढ़ते गए और अपने पवेलियन का रास्ता राजा बाबू भी जाते हुए। अब आए शिवम मैन फॉर औरंगाबाद। इधर से एक पार्टनरशिप की जरूरत है कोबरा जूनियर को। अच्छी गेंदबाजी सी बीच, लगातार 2 विकेट, कप्तान सायोन आज जले सीना तान, बाजी कर 11 के कप्तान। एक बार फिर मची किशोर पूरे ड्रेसिंग रूम में, पूरे क्राउड में आज चीयर्स एंड बॉयस एंड कप्तान सायोन। 2 गेंदों पे 2 विकेट, हैट्रिक द बॉल एज अ बटलर एज अ बैटर, इसका नाम बटलर है। हैट्रिक बॉल एंड कप्तान सायोन, अच्छी शॉट लीडिंग एज, उधर फील्डर मौजूद नहीं है, दो रन की कॉल नहीं, एक रन से संतुष्ट हो जाएगा नहीं, 2 रन चुरा लिया, बहुत ही खराब थ्रो विकेट कीपर के द्वारा। इधर से एक पार्टनरशिप चाहिए कोबरा जूनियर को, एक बार फिर वाइट, कप्तान सायोन आज चले सीना तान, हल्के हाथों से खेला, उधर फील्डर मौजूद है, 1 रन। गोपाल एंड स्ट्राइक, ओवर की आखिरी गेंद, अच्छी शॉट, उधर फील्डर मौजूद है, डाउन द ग्राउंड, दो रन 25 रन 3 विकेट के नुकसान पे। चौथे ओवर के लिए सुबह है, ओ स्टंप्ड एंड चेक फॉर अंपायर एंड नॉट आउट, बहुत ही अच्छी विकेट कीपर। ओ हल्के हाथों से खेल के सिंगल चुराना चाहते थे बल्लेबाज, स्ट्राइक पे लेना चाहते थे गोपाल को, अच्छी शॉट, पिक अप द हैंड, उधर फील्डर मौजूद है, 2 रन की कॉल नहीं, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, बाएं फील्डिंग मिस्ड और 2 रन मिल जाएंगे। 27 कोबरा जूनियर की स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे। ओ एक बार फिर लीडिंग है, उधर फील्डर मौजूद है, 1 रन। इधर से स्कोर को लंबा करना पड़ेगा क्योंकि रन नहीं लगे हैं ज्यादा बोर्ड पे। ओ और इसी बीच बोलते बोलते ही एक और विकेट की पतंग गिरते हुए गोपाल के रूप में, 5वां विकेट कोबरा जूनियर की, आखिरी विकेट। अट्ठाईस 29 आखिरी विकेट, अच्छी शॉट, उधर फील्ड बॉलिंग के हाथ में ही मार बैठे बटलर और जाना पड़ेगा पवेलियन का रास्ता और वॉल आउट कोबरा जूनियर। जीत के लिए चाहिए बाजी रन को ये मैच 30 रन। बहुत ही अच्छी कसी हुई गेंदबाजी कप्तान सायन के द्वारा, सुबह के द्वारा, और आखिरी विकेट रूपम लिए है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी बाजीकर 11 से आज देखने को मिली है। बहुत ही खराब बल्लेबाजी, जिस तरीके से आकाश ने शुरुआत दी थी, एक तूफान अंदाज में लगे थे आकाश, आकाश गिरते ही सब चलते गए पवेलियन का रास्ता, बहुत ही खराब। इस एलिमिनेटर में आप चाहते नहीं हो, किंतु स्कोर जरूर छोटा है, किंतु चैलेंज आपको करना पड़ेगा बाजीकर 11 को। बाजीकर 11 से दोनों ओपनर, आज ओपनर चेंज किया गया है इस एलिमिनेटर मुकाबले में, एक नई बैटर आपको देखने को मिलेगा, मास्टर संतु मैन फॉर जियागंज, इंसर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, हैवी गो द मैच एंड प्ले। कोबरा जूनियर से पहला ओवर करने आया है मिस्टर गोपाल, उसके सामने मिस्टर संतु, अच्छी शॉट, भाई लेके ऊपर उधर खेल दिया है, 2 रन के कॉल और 2 रन मिल भी जाएंगे। एंड द लेफ्ट हैंडर बैट्समैन मिस्टर संतु एंड मैन फॉर जियागंज, आज अपने टीम को जिताने के लिए मैच मिस्टर सोंतू आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी।
सुन तू, आप जियागंज से हो और बाजीगर इलेवन से खेल रहे हो। लेग बाय, एक रन, दो गेंदों पे 3 रन। रूपम द स्ट्राइक, रूपम फर्स्ट मुकाबले में जिस तरीके से चले थे, आज दिखाना पड़ेगा। आप इधर पे जीतते हो तो जाओगे क्वालिफाई, और आप हारते हो तो जाओगे घर। ओ वाइट बॉल, बाई की तरफ से 1 रन। बहुत ही खराब गेंदबाजी गोपाल से, आप सीनियर बॉलर हो इस टीम के और देते हो बाई से और लेग बाई से रन, और वाइट से खराब गेंदबाजी, बहुत ही खराब। दो गेंदों पे 5 रन दे चुके हैं। सुन टू द स्ट्राइक, एक बार फिर वाइट, बॉलिंग को जल्दी से जल्दी ये लेंथ और लाइन पकड़ना चाहिए क्योंकि स्कोर छोटा है। बल्लेबाजी पे आप ज्यादा रन नहीं बनाए। एक बार फिर कीपर के द्वारा मिस, बहुत ही खराब विकेट कीपर। सिंगल, बहुत ही खराब विकेट कीपर कोबरा जूनियर से। आप स्कोर छोटा बनाए हो तो अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी ये मैच जीतने के लिए, क्योंकि डू ऑर डाई मुकाबला है। स्ट्राइक फॉर रूपम, अच्छी हल्के हाथों से खेला, सिंगल चुराने चुरा लिया। 4 गेंदों पे 8 रन। ओवर की आखिरी गेंद, अच्छी गेंद, वाइड बॉल, बॉल बॉल बहुत स्विंग की है ये, वाइड बॉल। 9 रन दे चुके हैं। अच्छी शॉट, पिक अप द हैंड, बहुत ही अच्छी क्लास ऑफ द बैट्समैन द मिस्टर संतू, मैन फॉर जियागंज, अपने तेवर और जेवर दिखाते हैं इस ग्राउंड पे, एमसीजे क्रिकेट ग्राउंड। एक बार फिर थ्रो, अच्छी फील्डिंग शुभम के द्वारा। 1 ओवर की समाप्ति, 12 रन। दूसरा ओवर करने है कोबरा जूनियर से राजा, उसके सामने संतू, और इसी बीच विकेट की पतंग संतू के रूप में। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अभी तक, किंतु जाना पड़ेगा पवेलियन का रास्ता। अब आए वही तुखार बल्लेबाज सुबो, मैन फॉर औरंगाबाद, जिस तरीके से डू ऑर डाई मुकाबले में अपने बल्ले से फिनिश दिए थे, रन बनाए थे और टीम को जीत दिलाए थे, आज उतना जरूरी तो नहीं है किंतु जरूरी भी काम नहीं है। सुबो द न्यू बैटर, द स्ट्राइक। ओ बहुत ही अच्छी गेंदबाजी राजा के द्वारा, पहली गेंद पे विकेट, इस गेंद पे डॉट, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। और तेवर, हेवर, व्हाट अ कैच, व्हाट अ आकाश, व्हाट अ नंबर वन स्पॉटर, द कोबरा जूनियर इज अ ब्रिलियंट इन द फील्डर। आकाश आज बल्ले से रन दिखाते थे और फील्डिंग से कमाल करते थे, ये लड़का आकाश नाम है, मैन फॉर औरंगाबाद। एमसीजे क्रिकेट ग्राउंड पे कोई छा सकता है कोबरा जूनियर से तो आकाश है। बाजीगर के 11 के कप्तान आ है चौथे स्थानों पे और जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, लगातार 2 विकेट गिर चुके हैं, जिम्मेदारी के साथ करनी पड़ेगी बल्लेबाजी। अच्छी शॉट, उधर फील्डर मौजूद है, 1 रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी आकाश के द्वारा, हल्के हाथों से खेला, कट, 2 रन की है कॉल, फील्डर चेस, 2 रन मिल जाएंगे। बहुत ही खराब दिशा में थ्रो, ओ 3 रन, 4 रन, बहुत ही खराब थ्रो गोपाल के द्वारा, विकेट कीपर के द्वारा, बहुत ही खराब थ्रो, 4 रन दे चुके हैं आखिरी गेंदों पे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे राजा, 17, 2 विकेट के नुकसान पे बाजीगर 11। और 3 ओवर में 13 चाहिए, गोपाला है तीसरा ओवर करने, उसके सामने कप्तान सायोन, 13 रन की जरूरत है, 18 गेंदों पे 13 रन। व्हाट अ पिकअप, हेवर द हैंड, द स्टैंड ऑफ द डिलीवर, द बाजी करल का कप्तान मिस्टर सायोन, छा परिए बॉलिंग से तो आप दिखा दिए, आपके अब बल्ले से भी दिखाइए। शॉट, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कप्तान सायोन के द्वारा, वाइड बॉल,
बहुत ही खराब गेंदबाजी गोपाल के द्वारा। पहली गेंद पे पहले ओवर में 12 रन दे चुके, पहली गेंद आते ही छक्का डिपॉजिट ऑफ द स्टैंड, एक बार फिर वाइड, एक गेंदों पे 8 रन। तीसरे ओवर की शुरुआत थी, रन चाहिए थे 13, अब चाहिए 5। सायोन मैन ऑफ द मैच का किताब आदा पिकअप, हेव द हैंड्स स्टैंड ऑफ द डिलीवर, द्वीप मिड विकेट के स्क्वायर लेग की तरफ से जड़ दिया छक्का, मैक सेट बाजी रल कप्तान, दो गेंदों पे 2 छक्के, मैन ऑफ द मैच के ईयर आज लेंगे एक बार फिर मिस्टर सायोन। इज अ क्वालिफाई बाजी कर 11, सामने होंगे स्पार्टन, खेला जाएगा शनिवार की वो दिन स्पेशल ट्रेंड टाइम। आज के मैन ऑफ द मैच मिस्टर सायोन बाजी रल कप्तान, आज चले सीनाता ले गए अपने टीम को क्वालिफाई में, सामने होंगे स्पार्टन। आज के मैन ऑफ द मैच हियर एंड अबाउट द गोस्ट टू एंड मिस्टर सायोन कम्स टू स्टेज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनू इस मैन ऑफ द मैच को देने के लिए। ये दिश तो आपको बार बार नहीं देखने को मिलेंगे, हजारों में एक बार आती है इस MCG क्रिकेट ग्राउंड पे। इस जूनियर T10 लीग का कोई एलिमिनेटर मैच था और जीत अवार्ड जिस तरीके से प्रदर्शन किया है तो मिस्टर सायोन ने अपनी टीम को ले गए हैं सेमीफाइनल में, और सामने होंगे स्पार्टन, सामने होंगे शिवा और दूसरी तरफ होंगे मिस्टर सायोन द नेक्स्ट मैच द स्टाई ऑल द बेस्ट एंड द नेक्स्ट मैच एंड बाजी करेवलन।